हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पहले नंबर लाइन पर कुछ नंबरों को प्लॉट करना सीखा होगा, है ना। सपोज कीजिए दैट इज ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड -3, इस तरह से आपने सीखा होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ किसी एक पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। सपोज 1 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ओनली वन डायरेक्शन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इस प्लेन पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना कार्टेशियन सिस्टम होता है। इस प्लेन पर हम कुछ पॉइंटों को प्लॉट करेंगे, सपोज 2 एंड 3 को। ठीक है, तो देखिए ये एक्स एंड एक्स डैश होता है, एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई और वाई डैश, ठीक है, यानी ये वाई एक्सिस होता है। यहां पर 0 यानी ओरिजिन होता है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव। सपोज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड -3, इस तरह से ये होते हैं इस प्लेन पर। ठीक है, तो इसी प्लेन पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है वही कार्टेशियन सिस्टम होता है, CARTESIAN, SYSTEM, क्लियर। ठीक है, इसी को ही कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो जैसे 2 एंड 3 है, तो देखिए 2 हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर, दैट इज एक्स एक्सिस पर, और वो भी पॉजिटिव की तरफ ये, एंड 3 जो है वो वाई एक्सिस पर देखते हैं, वो भी पॉजिटिव की तरफ यहां पर ये। तो इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, जैसे कि बताया है ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इनकी जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस, यही पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइनें, जिस पॉइंट पर, वही 2 एंड 3 को रिप्रेजेंट करेगा। पहले एक्स की वैल्यू आएगी जो एक्स एक्सिस पर है, फिर वाई की वैल्यू आएगी। यहां आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये एक्स एक्सिस से 3 होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये होगी 3 एंड ये होगी 2, क्योंकि यहां पर भी 2 है और यहां पर 3 है, तो ये भी 3 होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, हम इस पॉइंट के बारे में ये कह सकते हैं, गौर करिए कि इस पॉइंट की अगर हमें ये बताना है कि ये पॉइंट की लोकेशन हमें डिटरमाइन करनी है, हमें लोकेशन बतानी है कि पॉइंट कहाँ पर है, हम किस तरह से इसको बताएंगे। तो देखिए हम क्या बता सकते हैं इसको, कि दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 3 मीटर, सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 मीटर एंड वाई एक्सिस से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, हम इसकी लोकेशन इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, एक्स कह लीजिए, या अगर प्लेन की बात करें, एक सपोज दिस इज ए प्लेन, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हैंड टू हैंड ले लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, यानी ये पूछ रहा है कि आपकी टेबल है, उस पर आपका एक टेबल लैंप रखा हुआ है, स्टडी टेबल लैंप, तो उसकी पोजीशन को आप किसी दूसरे पर्सन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए जैसे हम इस इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता चुके हैं कि हम ये तो नहीं कहेंगे, ये एग्जैक्ट नहीं होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर है इस मेज के या थोड़ा सा इधर है। ठीक है, सपोज तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट या सपोज कर लेंगे, लिखेंगे कि सपोज टेबल इज ए प्लेन एंड एंड टेबल लैंप जो है इज ए पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि जो टेबल है उसको तो एक प्लेन मान लेते हैं और टेबल लैंप को एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ, अब क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द, या ये लिख सकते हैं कि लॉन्गर
लॉन्गर एंड शॉर्टर एज ऑफ द टेबल, मतलब कि यहां से इसकी लॉन्गर साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं एंड एक शॉर्टर पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सपोज जो ये परपेंडिकुलर हमने डाले हैं, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर एज इज 10 सेंटीमीटर, हमने इसे लेट कर लिया कि 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। एंड लॉन्गर एज इज एंड परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर एज इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो हम जो डिस्क्राइब करेंगे किसी अनदर पर्सन को, तो ये पॉइंट हो जाता है आपका 5 एंड 10, ठीक है। हमें इस तरह से लिखना है, देखिए जो जिस तरह से आपने प्लेन को एस्यूम किया है, जिस तरह से प्लेन को आपने माना है, उसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना है। आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी है 5 स्टार्टिंग में लिखना है, एंड ये वाली डिस्टेंस लिखनी है 10। पहले ये लिखनी है क्योंकि ये वाला एक तरह से एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाला वाई एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को पहले लिखते हैं फिर वाई एक्सिस वाले पॉइंट को बाद में लिखते हैं। तो हम जो डिस्क्राइब करेंगे हम ये कह सकते हैं कि टेबल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर अवे, है ना, लिख सकते हैं कि टेबल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम शॉर्टर एज एंड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लॉन्गर एज ऑफ द टेबल, क्लियर है। तो इस तरह से हमें एग्जैक्ट लोकेशन का एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई एग्जैक्ट लोकेशन ये है इसकी, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको यही कुछ लिखना है, ये डिस्टेंस हमने सिर्फ मानी है, हमने सिर्फ एज्यूम की है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इसको कुछ और लिख सकते हैं, इसको कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आपका ये आंसर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत ही ईजी है। ये स्ट्रीट प्लान है, पढ़ते हैं क्या है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट राइट सेंटर ऑफ द सिटी, यानी किसी सिटी में, किसी शहर में 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पर, बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ऐसी तो है, सेंटर ऑफ द सिटी क्रॉस करती है एक दूसरे को। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देखिए आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्लियर। इसके बाद इसने कहा है ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, कुछ और भी स्ट्रीट्स हैं, है ना, और वो इन रोड्स के पैरेलल हैं, या तो ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, ठीक है, या तो नॉर्थ, या तो ईस्ट टू वेस्ट होंगी या नॉर्थ टू साउथ होंगी, ठीक है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो अदर स्ट्रीट्स होंगी यहां पर उनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, देखिए ये कह रहा है कि सभी डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, क्लियर। सो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है, और स्केल में यहां लिख देना स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। इसका मतलब है कि आपको 1-1 सेंटीमीटर की 5 लाइंस इस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, और 1 सेंटीमीटर की आप ड्रॉ करेंगे बट वो रिप्रेजेंट कर रही है 200 मीटर को, यानी 1, देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको 1 सेंटीमीटर लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट, एंड फिर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर। सेम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 5 ही ऐसे हैं, 5 ही ऐसे हैं, क्लियर है। इस तरह से हमारा ये मॉडल बन जाता है। अब देखिए रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट बाय
सिंगल लाइन। अब इसने कहा था कि सिंगल लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल्स। देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर इस मॉडल में बहुत सारी मेनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी, एक दूसरे को क्रॉस करने वाली। ये देखिएगी ये सभी क्रॉस स्ट्रीट है ना, एक दूसरे को क्रॉस करने वाली स्ट्रीट है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स। देखिए जो क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है उसके उसके लिए दो स्ट्रीट की जरूरत है, यानी दो स्ट्रीट ही तो आपस में मिलकर उस एक क्रॉसिंग को बना रही है। ठीक है, एक तो है उसमें से नॉर्थ से साउथ जाने वाली सभी डायरेक्शन, और एक है इससे वेस्ट जाने वाली। यानी ये जो क्रॉसिंग बन रही है ये दो लाइनों से बन रही है, एक ऐसे जाने वाली एक ऐसे जाने वाली, नॉर्मली लैंग्वेज में ये है। ठीक है, फॉलोइंग मैनर। देखिए अब इनका नेम करेंगे, रेफर करेंगे इन्हें, कि इनका नाम देंगे कुछ इन स्ट्रीट का। सपोज करिए देखिए मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज फर्स्ट टू थ्री फोर एंड फाइव, है ना। स्ट्रीट नेम एक तरह से ऐसे दिया मैंने, दैट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या है, अब इसने क्या कहा है कि नाम कैसे देंगे। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ में जाने वाली सेकेंड स्ट्रीट, आप ये देख सकते हैं ये वाली, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ देखेंगे, है ना। सेकेंड इन द नॉर्थ, ये वाली नॉर्थ साउथ, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट। तो ये जो क्रॉस करेंगी सेकेंड एंड फिफ्थ यहां पर क्रॉस करती है आप देखिए, तो इसका नाम क्या होगा, इसको नेम दिया गया टू एंड फाइव। क्लियर है? टू क्यों, सेकेंड स्ट्रीट जो ऐसे जा रही है, ठीक है, जो सेकेंड स्ट्रीट जो ऐसे जा रही है एंड फिफ्थ स्ट्रीट जो ऐसे जा रही है। क्लियर है? इस तरह से इनको पोजीशन इनका नाम दिया गया है, देन विल बी, तो इस क्रॉस स्ट्रीट को टू एंड फाइव कहा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, हमें कुछ क्वेश्चन को फॉलो करना है, इनका आंसर देना है इस तरह से, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एस फोर थ्री। अब देखिए फोर एंड थ्री कितनी क्रॉस स्ट्रीट को कहा जाएगा। फोर एंड थ्री, फोर का मतलब हुआ कि वो लाइन देखिए वो स्ट्रीट देखिए, क्योंकि इसने पहले ही कहा था जो टू है वो रेफर कर रही है जो इस तरह से जा रही है नॉर्थ टू साउथ। सो फोर्थ भी हमें नॉर्थ टू साउथ देखनी पड़ेगी, ये है। क्लियर? ये वाली, ठीक है। एंड थ्री जो होगी ईस्ट टू वेस्ट होगी, ईस्ट टू वेस्ट थ्री, ये वाली। तो इसकी जो फोर्थ है ये और थ्री जो है ये यहां पर कट कर रही है, तो इसे ही तो फोर एंड थ्री रिप्रेजेंट कर रही है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज फोर थ्री, तो फोर थ्री जो क्रॉस स्ट्रीट होगा वो कितनी होंगी यहां पर, दैट इज ओनली वन होंगी भाई। इसके अलावा अगर आप फोर एंड थ्री को कहां रिप्रेजेंट करेंगे, और तो नहीं आने का। फोर एक ही लाइन होगी, देखिए हर लाइन जैसे फोर्थ एंड थर्ड एक ही तो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या था, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज थ्री एंड फोर, थ्री फोर, तो थ्री फोर किसको, कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी। देखिए थ्री कहां पर है, थ्री ये ली, थ्री हमें वही लेनी है जो नॉर्थ टू साउथ है। अब हम इसको करते हैं, एंड फोर्थ जो लेनी है हमें इस तरह से जाने वाली ईस्ट टू वेस्ट, ये दिस इज, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट इज, तो यही थ्री एंड फोर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी जिनको रेफर किया जा सके, थ्री एंड फोर, ओनली एंड ओनली वन होगी। ऐसे जो क्रॉस सेक्शन होगा थ्री एंड फोर, नेमली जिसका नाम थ्री एंड फोर हो, तो वो ओनली वन ही तो पॉइंट होगा यहाँ पर, आप और भी चेक कर सकते हैं। तो थ्री और फोर इसके अलावा और कहीं नहीं बैठने का, ऐसी फोर एंड थ्री इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें सिर्फ ये था इसका मॉडल, आपको ये समझ में आ गया होगा हमने इस तरफ क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि इस तरफ पॉइंट होते हैं नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया कि फोर एंड माइनस माइनस फोर कौन सा क्रॉस स्ट्रीट होगा, ऐसा पूछा भी नहीं गया। अगर पूछता तो हम इसको आगे इस तरफ भी फाइव बना लेते और इस तरफ भी फाइव रिप्रेजेंट कर लेते। क्लियर है? तो बस इस एक्सरसाइज में यही था, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बताना था, वो हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।